विरोध करना हमारा धर्म है, हम प्रतिकार करेंगे इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई का। झूठी कहानियां गढ़ी जा रही है कि, और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पिटे उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कल जा रहे हैं। सर, सरकार के मंत्री के आपके समय में भी आंदोलन, जब प्रदर्शन हुआ करते थे, 144 लगा दी जाती थी और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। जयवर्धन सिंह ने आपको ट्वीट कर, कितने प्रदर्शन हुए हैं? हमने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि अफसरों को कह दें कि मारो, ये पहली बार देखने मिल रहा है। दिग्विजय सिंह देखिए, जिन अफसरों ने मर्यादाएं तार तार कर दी, कानून अपने हाथ में ले लिया, उनको कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। यह हक किसने दिया कि कलेक्टर खुद मारापीटी करे, एसडीएम मारापीटी करे? हमारी मांग यही है कि जिनने ये व्यवहार किया है, कानून अपने हाथ में लिया है, जिनको अधिकार नहीं था, मारने का अधिकार तो पुलिस को भी नहीं है, लेकिन वहां पुलिस थी, बाकी पुलिस के अधिकारी थे, जवान थे। अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो लाठी चलाते पहले, लेकिन अफसर टूट पड़े, आईएएस अफसर टूट रहे हैं। और मैं सबको नहीं कह रहा, पर्टिकुलर वहां की कलेक्टर, वहां की एसडीएम, हमारी मांग यही है कि इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए, इनको दंडित किया जाए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि गर्व कर गर्व है उन। दिग्विजय सिंह तो जब बटाला एनकाउंटर कांड होता है तो आतंकवादियों पर गर्व करते हैं, ओसामा जी को जी कहते हैं, ओसामा जी जी कहते हैं ओसामा को। कहीं भी कोई ऐसी घटना हुई कि जिसका विरोध करना चाहिए उसका वो समर्थन करते हैं, ये उनकी मानसिकता है, गंदी मानसिकता, जो गलत काम करने वाले को प्रोत्साहित करती, चाहे वो देश के दुश्मन आतंकवादी हो और चाहे इस तरह के अफसर हों।